सोमवार यानी 22 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। विपक्ष द्वारा लगाए गए सवालों, ध्यान आकर्षण के मुद्दों को लेकर भाजपा ने कसकर अपनी तैयारी कर ली है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बजट सत्र पर विपक्ष की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के लिए भाजपा पूरी तैयारी में है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में घटित घटनाओं को बजट सत्र के दौरान चर्चा में उठाया जाएगा। प्रदेश में हो रही लूट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे मामले लगातार सामने आए हैं। प्रदेश भर में अनाचार के घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, प्रदेश के किसान संतुष्ट नहीं है। अब तक चौथी किस्त का भुगतान सरकार ने नहीं किया है। धान खरीदी बंद हो चुकी है, लेकिन सोसाइटी में धान अब भी पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले बार भी इसी तरह 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए के धान सड़ चुके हैं और इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में धान को बचाया जा सके, इस तरह के तमाम प्रश्न विधानसभा सत्र के दौरान अलग अलग चर्चा के माध्यम से उठाए जाएंगे। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और इस सत्र में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी पे है। पिछले विधानसभा से लेकर के इस विधानसभा के बीच में जो प्रदेश में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई है, उन सारी बातों का उल्लेख विधानसभा के माध्यम से चर्चा में उठाएंगे।